अब देख सकते हैं दोस्तों, ये बालूशाही है और कितना टेस्टी और क्रिस्पी बना है। ये अंदर तक जूसी है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आज की दोस्तों मेरी रेसिपी है बालूशाही। बालूशाही को कैसे घर पे बनाएं और टेस्टी बनाएं, और ये जूसी बालूशाही की रेसिपी आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल का मौसम है, फेस्टिव सीजन है, तो आप फेस्टिवल में आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आइए इस रेसिपी को बनाना सीखते हैं। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैंने आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिलीशियस फूड रेसिपीज के किचन में। दोस्तों आज मैं मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं, वैसे मुंह मीठा करना तो ज़रूरी ही होता है। सो फ्रेंड्स, आज जो मेरे मीठे की रेसिपी है वो मेरी फेवरेट रेसिपी है, और मेरी रेसिपी का नाम है आज बालूशाही। वैसे इसे बालूशा भी कहते हैं, बलूशा भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं हलवाई जैसे बनाते हैं उस तरह से बालूशाही बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज ये बालूशाही की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आइए बालूशाही बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी पहले वो देख लेते हैं। तो बालूशाही बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी। यहाँ पर मैंने दो कप चीनी लिया है, यानी कि 500 ग्राम के लगभग। थोड़े से मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, मैंने केसर लिया हुआ है पानी में भिगो करके। यहाँ मैंने इसे दूध में नहीं भिगो के लिया है, पानी में भिगो के रखा हुआ है। घी हमें चाहिए 80 ml। यहाँ मैंने मेजर करके 80 ml घी लिया हुआ है। 1 छोटा चम्मच हम लेंगे नींबू का रस, ताकि हमारा जब हम शुगर सिरप बनाएं तो चीनी हमारा क्रिस्टलाइज ना हो। और यहाँ मैंने लिया हुआ है हरी इलायची, इसी तरह मैंने इसे रफली कूट करके लिया हुआ है, ताकि शुगर सिरप से इसे निकालने में आसानी हो। आधा छोटा चम्मच लेंगे, हाफ टीस्पून लेंगे हम बेकिंग पाउडर। और यहाँ मैंने लिया है बालूशाही बनाने के लिए मैदा, यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया हुआ है। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले इस मैदे में हम ऐड करेंगे ये बेकिंग पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, अदरवाइज ये बाद में अच्छे से मिल नहीं पाते हैं, इसलिए हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। ये हो गया। अब आइए अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं। बालूशाही के लिए हमें शुगर सिरप सबसे पहले बनाना होगा, क्योंकि हमें शुगर सिरप चाहिए होगा बालूशाही के लिए। और शुगर सिरप हमें हल्का वार्म चाहिए, हमें ज़्यादा गर्म शुगर सिरप नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम शुगर सिरप बना करके रख लेते हैं। तो आइए शुगर सिरप बनाना स्टार्ट करते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ मैंने पैन को गर्म करके रखा हुआ है। इसे हम ऐड करेंगे चीनी 2 कप, और यहाँ मैंने इसे अभी लो फ्लेम पे रखा हुआ, ताकि हमारा चीनी तले में सटे ना। हमने 2 कप चीनी लिया है, तो हम इसमें इसका हाफ यानी कि 1 कप पानी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। और हमें एक गाढ़ी चाशनी चाहिए, हमें कोई थ्रेड कंसिस्टेंसी वाली चाशनी नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ एक गाढ़ी चाशनी चाहिए। तो हमें चाशनी को बना लेना है। यहाँ पर मैं इसे मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ, और इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे जब तक हमारा चाशनी तैयार होता है। आइए हम तब तक आटा बना लेते हैं बालूशाही के लिए। बेकिंग पाउडर डालकर यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी, घी लिया है उतना ही हम ऐड करेंगे इसमें पानी, और हम इसे अच्छे हाथ से, साफ सुथरे हाथ से इस तरह से मिला लेंगे। हमें इसे नीड नहीं करना है, हमें इसे पहले भी हम इसे क्रम्बल कर लेंगे। आप पानी की जगह पर इसमें दही का भी यूज कर सकते हैं। इसे हम दोनों हाथ से मिला लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे नीड नहीं किया, इसे मैं इसी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ, और आपको भी इसी तरह से इसे मिक्स करना है। ये खुद ही नीड होने लगेगा, इसको नीड ना करें, अदरवाइज शुगर सिरप आपके बालूशाही के अंदर नहीं जा पाएगा। और आप इसमें दूध की जगह पर दही का भी यूज कर सकते हैं, और आप इसमें घी की जगह पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं मोयन के लिए। हमें इस तरह से कर लेना है। अब हम इसे
10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। आइए हम शुगर सिरप को चेक कर लेते हैं। शुगर सिरप हमारा तैयार हो रहा है। यहाँ पे शुगर सिरप साफ सुथरी है, इसलिए हमें इसमें दूध मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका शुगर सिरप आपको लगता है कि वो गंदा है तो उसमें आप 2 बड़े चम्मच दूध मिला दें, उसके बाद जो गंदगी साइड में लगेगी उसे आप चम्मच से निकाल करके फेंक दें तो आपका शुगर सिरप क्लीन हो जाएगा। इसे हमें थोड़ी गाढ़ी कर लेनी है। ऐड कर देंगे इलायची, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा लगभग हमारा चाशनी तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे केसर, इससे बालूशाही का कलर बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ मैंने शुगर सिरप मीडियम फ्लेम पे पकाया है और इसे बीच बीच में मैं चलाते रही हूँ। तो आप शुगर सिरप बनाए तो ध्यान रखें। शुगर सिरप हमारा तैयार हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे और अब हम इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें शुगर सिरप वार्म चाहिए, हमें ना ज़्यादा गर्म चाहिए ना ज़्यादा ठंडा चाहिए, हमें वार्म चाहिए। तो इसे अब हम ठंडा होने देंगे। यहाँ पर हमारा शुगर सिरप थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसे हमें और ठंडा करना है। बट उसके पहले हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर देंगे ताकि चीनी जो हमारा जमे ना, क्रिस्टलाइज ना हो, ना ही इसमें और ना ही बालूशाही में। मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट हमारा हो चुका है, आटे को यहाँ पे मैंने निकाल कर रख लिया है और इसे हम वापस से इसी तरह से कर लेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको इस तरह से करके इसे नीड नहीं करना है, इसे ऐसे करेंगे। पहले हम इसे इस तरह से फैला देंगे। फैलाने के बाद हम इसे 2 भागों में कट कर लेंगे, वापस इसे इसके ऊपर डालेंगे, वापस इस तरह से फैलाएंगे। वापस इसे कट करेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे। हमें इसी तरह से इसे लेयर बाय लेयर कर करके कम से कम 3 मिनट तक इस तरह से कर लेना है। 2 से 3 मिनट इस तरह से कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर में लेयर बनते जा रहा है। वापस से कट कर लेंगे या फिर आप इसे हाथ से भी तोड़ करके कर सकते हैं, इस तरह से बांट लें, बांट करके भी कर सकते हैं। बस 2 भाग में बांट लेंगे और अब दोनों का अब लॉग बना लेंगे इस तरह से। और आपको जिस आकार की, जिस साइज की बनानी है बालूशाही, अब उसके अनुसार से कट कर लें। इस तरह से कट कर लेंगे। इसी भी उसी तरह से लॉग बना करके कट कर लेंगे। हम उसी तरह से कट कर लेंगे। इसे बालूशाही का शेप देंगे और उसे हल्का हल्का हाथों से इस तरह से दबा करके, सॉरी कोशिश करेंगे इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे इस तरह से नीट कर लें, थोड़ा ये चारों तरफ से सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि आप देखते होंगे कि बालूशाही जब भी होती है तो इधर से फटे फटे रहते हैं चारों तरफ से, तो वो इसी कारण से होता है। और अब हम इसे यहाँ में इस तरह से अंगूठा डाल करके छेद कर देंगे इस तरह से। ये
इस तरह से सारे बालू शाही बना करके हम तैयार कर लेंगे। बीच में छेद कर देंगे, आप अंगूठे की सहायता से भी छेद कर सकते हैं। इस तरह से हम सारे बालू शाही को बना करके तैयार कर लेते हैं। अब कोशिश करके जिस तरफ इस तरह का ब्रेक हो आप उधर ही छेद करें इसे। ये हमारी सारी बालू शाही बनकर के तैयार है। आइए हम इसे तल करके निकाल लेते हैं। आप बालू शाही के शेप को ज्यादा बड़ा ना रखें क्योंकि ये तेल में जाने के बाद ये फूलता है, सो आप बालू शाही के शेप को थोड़ा छोटा ही रखें। आइए अभी इसे तल करके निकाल लेते हैं। यहाँ मैं तेल को लो फ्लेम पे गर्म करके रखा हुआ है। तेल को एकदम आपको लो फ्लेम पे ही गर्म करना है, हाई फ्लेम पे गर्म ना करें, अदरवाइज हमारा बालू शाही अंदर से कच्चा रह जाएगा, पकेगा नहीं। आप देख सकते हैं ये कितना लो फ्लेम पे मैंने गर्म किया है, इसमें बबल्स भी नहीं आ रहे हैं। सो इसे लो फ्लेम पे ही गर्म करना है, तभी हमारा बालू शाही कुरकुरा और स्वादिष्ट बनेगा। अब इसमें एक एक करके बालू शाही ऐड करेंगे। आपको एक बार कढ़ाई में जितना चला जाए आप डालें, और हमें इसे अब तब तक नहीं पलटना है जब तक ये खुद से पक करके ऊपर वापस तेल में आकर तैरने ना लगे। हमें इसे तब तक इसी फ्लेम पे इसी आंच पे पकाना है। हम इसे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे और ये फूलने के बाद खुद पे खुद तेल में ऊपर आ जाएगा, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि तेल में जाने पर यह दूना हो जाता है, तो आप देख सकते हैं ये फुल करके सारे अपने से डबल शेप में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा हाई पर कर देंगे क्योंकि हमारा सारा जो बालू शाही है ऊपर तेल में तैरने लगा है, आप देख सकते हैं। और हमें इसे गोल्डन ब्राउन करके दोनों साइड से पका लेना है। हम इसे अभी नहीं पलटेंगे, हम इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे एक साइड से, तभी हम दूसरे साइड पलटेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाया है, लो और मीडियम के बीच में मैं इसे पका रही हूँ। ये रेसिपी बनने में थोड़ी सी टाइम लेती है, सो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट ये बहुत ही टेस्टी बनती है, या यूँ कहें ये मार्केट से भी अच्छी बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आइए अब हम इसे पलट देते हैं। एक साइड से ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको पलट देंगे, हम दूसरे साइड से पका लेंगे और हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। देख सकते हैं सबका कलर कितना प्यारा हो गया है, कितना अच्छा चेंज हो रहा है ये सब। अब हम इसे चारों तरफ से इस तरह से पलट पलट के पका लेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से पक जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए कलर में। ये हमारा बालू शाही अच्छे से पक चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। गैस को बंद कर देंगे और अब हम इसे किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। तेल को अच्छे से निकल जाने देंगे। आइए अब हम इसे शुगर सिरप में डिप करते हैं। अभी ये सारे तले हुए बालू शाही को हम शुगर सिरप में ऐड कर देंगे। और हम इसे दो तीन मिनट तक डिप कर लेंगे। हम इसे इसमें 3 से 4 मिनट तक डिप करके छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छे से शुगर सिरप चला जाए, अच्छे से अपने अंदर शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर ले। और 3-4 मिनट के बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा बालू शाही बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और कितना प्यारा बना है। ये बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही जूसी है। सो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे चैनल के साथ शेयर जरूर करें। अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सो फ्रेंड्स आप फेस्टिव टाइम में इसे जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और आपकी रेसिपी कैसी बनी हमें जरूर बताएं। इंग्रेडिएंट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज ये बालू शाही की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी आइडिया, सजेशन या फिर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सो फ्रेंड्स, देखा आपने
बहुत ही फ्यू इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बालूशाही बनकर के तैयार हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है इसे तलते समय, अदरवाइज ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये बहुत ही क्रंची है और अंदर से उतनी ही जूसी है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताएं और आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें। और बालूशाही बनाते समय जो भी मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं, आप उस पर जरूर ध्यान दें। जब आप शुगर सिरप बनाएं तो उसमें आप नींबू जरूर डालें, उससे वो चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होगा, ना ही इसके ऊपर जमेगा वो, और ना ही अंदर में जो हमारा जूसी है वो वहाँ पर जाकर के चीनी जमेगा। तो इसलिए आप उन सब बातों का भी ध्यान जरूर रखें। और आप इसे तलते समय भी ध्यान रखें कि हमें इसे लो फ्लेम पे तलना है, तभी ये टेस्टी और क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनेगा। और आप इसे हाई फ्लेम पे ना तलें, अदरवाइज इसमें शुगर सिरप अंदर तक नहीं जा पाएगा और ये कच्चा भी रह जाएगा। सो कुछ बातों का जिन्हें मैंने ध्यान रखने के लिए बोला है, आप उन बातों को ध्यान में रखते हुए ये बालूशाही बनाएं। सो आपकी बालूशाही बहुत ही अच्छी बनेगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय दिस रेसिपी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।